ओके okay. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. और ओके okay. तो क्लाइंट इज ए प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द लोकल मशीन रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम द सर्वर. ठीक है, क्लाइंट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है. मतलब जो भी एंड यूजर होगा, ठीक है, वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सिस्टम से यूज कर रहा होगा, या तो उसके पास कोई लैपटॉप होगा या तो कंप्यूटर डिवाइस होंगे. ठीक है, इस टाइप के कोई भी वहां पे उसके पास डिवाइस होगा. ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा. एप्लीकेशन मीन्स उसके अंदर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक अगर वो कोई भी व्हाट्सएप है जो नेटवर्क एक्सेस कर सकता है वैसा एप्लीकेशन. ठीक है, जैसा वेब ब्राउजर है, फेसबुक, ट्विटर, इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब वही क्लाइंट प्रोग्राम जो होगा वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा. रिक्वेस्ट सेंड करेगा, अगर उसको कोई भी ऐसी सर्विस चाहिए वो क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा. फिर उसके बाद सर्वर के पास वो जाएगा और वहां से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा. ठीक है, क्लाइंट प्रोग्राम इज अ फाइनाइट प्रोग्राम मीन्स दैट द सर्विस स्टार्टेड बाय द यूजर एंड टर्मिनेट्स व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड. जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा और उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, तो अब उसका काम हो गया और वो सर्विस स्टार्ट किया था, और सर्विस अगर उसका पूरा काम हो गया उसके बाद सर्विस को बंद कर सकता है. ठीक है, जब वो सर्विस पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी. तो ये रहता है पूरा का पूरा क्लाइंट का काम, जो एंड यूजर हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं और उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट. क्लाइंट कोई ऐसा नहीं रहता, कोई पर्सन नहीं है वो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है. नेक्स्ट आता है सर्वर. सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द रिमोट मशीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट. When the client requests for a service, then the server opens the door for the incoming request, but it never initiates the service. ठीक है, सर्वर तभी इनिशिएट होगा जब क्लाइंट के थ्रू उसको कोई ना कोई सर्विस रिक्वेस्ट मिलेगी. ठीक है, तभी वो अपने द्वार खोलेगा और वो उसको सर्विस दे पाएगा. ठीक है, सर्वर भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, जो कि एक रिमोट मशीन में वो इंस्टॉल किया जाता है. रिमोट मशीन मीन्स वो भी एक कंप्यूटर ही होगा, वो भी एक कंप्यूटर ही होगा, लेकिन वो इस टाइप से कॉन्फिगर किया होता है ताकि कोई दूसरे रिमोट लोकेशन से अगर उसको कोई रिक्वेस्ट भेजे तो उसको एक्सेप्ट करके उसी रिक्वेस्ट से रिलेटेड वो उसको रिस्पॉन्स कर पाए. ठीक है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो भी सर्वर एडिशन होता है, और हम लोग वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके बनाया जाता है. जैसे PHP हो गया, ASP.NET हो गया. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सर्वर साइड प्रोग्राम बनाते हैं. तो वो ऑलरेडी कैपेबल होते हैं किसी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको रिस्पॉन्स करने में. ओके, ए सर्वर प्रोग्राम इज अ इनफाइनाइट प्रोग्राम मीन्स दैट व्हेन इट स्टार्ट्स इट रन इनफाइनाइटली अनलेस द प्रॉब्लम अराइजेस. द सर्वर वेट्स फॉर द इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स. व्हेन द रिक्वेस्ट अराइव्स एट द सर्वर देन इट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट. ठीक है, सर्वर प्रोग्राम जो होता है वो एक इनफाइनाइट प्रोग्राम होता है. मतलब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो जब तक प्रॉब्लम ना आए कुछ, या फिर कोई ऐसा इशू ना आए जहाँ पे उसको बंद करना पड़े, तब तक वो बंद नहीं होता है. ठीक है, वो हमेशा ऑन होगा, और क्योंकि इसलिए ऑन होता है 24/7 ऑन होगा ताकि जो क्लाइंट है वो कभी भी अगर उसको उस सर्विस की जरूरत पड़ती है तो उसको सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वो सर्वर बनाया गया है. ठीक है,
अगर उसको हम लोग बंद करके रख देंगे तो सर्विस नहीं दे पाएगा। तो मेनली तो उसको क्लाइंट को सर्विस देना है। जब भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट की तरफ से तो वो इमिजिएटली उसको रिस्पॉन्स करेगा। वो हमेशा वेट करते रहता है कि कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करे और हम उसको रिस्पॉन्स दें। तो ये क्लाइंट और सर्वर हमने देखा, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो यहाँ एडवांटेजेस भी हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड बैकअप इज पॉसिबल इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, दैट इज ऑल डेटा इज स्टोर इन ए सर्वर। मतलब हम लोग जो भी डेटा शेयर करते हैं हम लोग क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सेव होता है। ठीक है, मतलब एक जब भी हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाते हैं, एक मॉडल जब हम लोग बनाते हैं इस प्रकार का, अगर मान के चलो हम लोग को कोई ऐसा बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ फ्लिपकार्ट। ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट जैसा ही एक बिजनेस, ऑनलाइन ई कॉमर्स का मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक वेबसाइट बनाया। ठीक है, मैंने उसमें एक वेबसाइट बनाया, उसमें पूरे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दिया। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स उसमें रजिस्टर्ड हो गए, बहुत सारे कस्टमर्स उसमें रजिस्टर्ड हो गए, और उसमें मल्टीपल वेंडर्स भी जो अपना सामान उसमें बेचना चाहते हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट करना चाहते हैं, वो सारे वहाँ पे आ गए। तो उनके जो भी डेटा है वो अपने इमेजेस, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स हो गया, उसमें ऑफर्स हैं या फिर कोई और डिटेल्स है, वीडियोस वगैरह जो भी है, सब चीज़ वहाँ पे सेव होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा, मतलब जब जब यूज़र खोल रहा है तब तक उसको अपलोड करना पड़ रहा है बार बार, वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं। तो जितना भी वहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो सेंट्रलाइज बैकअप क्रिएट किया जाता है। तो उसके साथ में वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डेटा स्टोर लगाते हैं। डेटा स्टोर मीन्स उसके अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी होती है, उस हार्ड डिस्क में जाके वो डेटा सेव होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जब भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा जितने भी डेटा होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर करेंगे। सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर करने का मीन्स क्या होगा कि हम लोग को डेटा कहीं पे भी कभी भी अवेलेबल हो पाएगा। अगर मान के चलो हम लोग के सिस्टम में कोई दिक्कत हो गया, जो भी क्लाइंट है उसके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो तो डेटा वो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर होगा तो हम लोग उसको कभी भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा को बैकअप बना सकते हैं, उसके मल्टीपल बैकअप्स बनते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पे सिक्योरिटी। दीज नेटवर्क आर मोर सिक्योर एज ऑल द शेयर्ड रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अब इतने सारे डेटा जब स्टोर किए जाएंगे सेंट्रलाइज डेटा स्टोर में, तो उसको सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है। लाइक जैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, तो क्लाउड में क्या होगा कि बहुत सारे डेटा वहाँ पे स्टोर होते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ठीक है, मेगा हो गया, ये सारे बहुत बड़े बड़े डेटा स्टोर हैं। यहाँ पे वर्ल्ड में मान के चलो इतने सारे लोग, मिलियन बिलियंस ऑफ लोग हैं, उसमें से कम 50% तो लोग यूज़ करते होंगे ये सारी सर्विसेज, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, मेगा, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इनके पास इतने जगह से डेटा सेव रहता है, तो हम लोग उस डेटा को मैनेज करते हैं और सिक्योर करते हैं उसको। मतलब कोई भी डेटा कहीं पे भी लीक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा अनऑथराइज उसमें एक्सेस नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो शेयर्ड डेटा होता है, वो यूजर के पास भी होता है और वो साथ में सर्वर के पास भी होता है।
ओके तो यहाँ पे जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज जो है स्टोर होते हैं अपने सेंट्रल डेटाबेस पे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई अटैक ना हो, कोई दूसरा अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए, ठीक है, या फिर कोई डेटा डिलीट हो जाए, शेयर मतलब कहीं और शेयर हो जाए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग को रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग सिक्योरिटी भी वहाँ पे देते हैं, जैसे कि सिक्योर सॉकेट लेयर हम लोग वहाँ पे लगाएंगे, SSL होता है, एनक्रिप्शन होता है, ठीक है, इस टाइप की सिक्योरिटीज हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर पे। तो मेनली SSL वहाँ पे लगाया जाता है, साथ में एनक्रिप्शन किया जाता है, दो मेन सिक्योर